शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तमीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। सबसे पहले तो मैं बच्चों को सलू करता हूँ जो हमें जो है वीडियो हमारी देखते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बीए पार्ट टू के पेपर बिल्कुल सर पे आ गए हैं और हमारे बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जो जॉब करने वाले हैं और वो जो है सिर्फ हमारी वीडियो देख कर इन्होंने दाखिला भेजा था और बामुश्किल उनको तीन तीन चार चार दिन की छुट्टियां मिल रही हैं। तो मैं अपने उन बच्चों के लिए जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए ख़ास तौर पर आज जो वीडियो जो है आपके सामने ला रहा हूं उनको हौसला अफजाई उनकी करने के लिए ताकि वो बच्चे डिसार्ड ना हो, उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि हमने जो है बहुत ही आसान जो चीज़ें बना ली हैं उन लोगों के लिए। और मज़ीद सबसे पहले तो मैं बच्चों कहूँगा कि पार्ट टू को अभी कोई ना छोड़े जिसके पार्ट वन और पार्ट टू के पेपर है, वो सिर्फ पार्ट वन को तवज्जो दें, जो जो चीज़ें मैं अभी बताऊंगा वो तैयार करें, उसके बाद फिर जो है ना आपने जो कन्फ्यूजन भी हमसे फिर आपने रब्ता करना, फिर हम मज़ीद बताएंगे कि आपने कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने चार प्ले करने हैं और चार प्ले की वैल्यू क्या है। पहला जो क्वेश्चन है आपका रेफरेंस टू का कंटेक्स्ट का, उसमें तीन स्टैंजे आते हैं, पॉइंट के दो प्ले के आते हैं, तो चौथा पाँचवा जो प्ले होता है चौथा पाँचवा स्टैंजा प्ले का होता है। अगर आपको पहली 10 पोइम अगर तैयार हैं तो पहली 10 पोइम में मोस्टली दो पोइम आ जाती हैं, और अगर समटाइम बहुत कम ऐसा होता है कि पहली 10 में सिर्फ एक आती है, अगर एक पोइम आती है तो एक पोइम करनी है, वहां पर चार प्ले, आपको चार प्ले में दो प्ले तो आपको आ रहे हैं। जब आप उर्दू में हमारे नोट्स में से प्ले पढ़ेंगे तो आपको आसानी से निशानियां भी क्लियर हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आप किसी भी हाल में लूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में दो स्टोरी आती हैं और एक प्ले आता है। अब अगर आपने चूंकि चार प्ले किए हैं, चार प्ले के चार ही क्वेश्चन है हमारे नोट्स में, तो एक प्ले तो क्वेश्चन नंबर टू में 100% आना है। पीछे मोस्टली ये होता है कि पहली जो हमारे नोट्स में जो स्टोरी है उसमें से दो स्टोरी ही आती हैं और दो आती हैं, चाहे आप दोनों स्टोरी करें या चाहे एक कर लें। अब ये है एक प्ले कर लें एक स्टोरी कर लें। अगर सम टाइम ऐसा होता है कि एक जो है शुरू में से आती है एक जो है ना एंड में से दे देता है, तो वहाँ पर प्ले बहुत बड़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि प्ले तो एक करने के ना, तो फिर उसके बाद स्टोरी, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्टोरी है मैं वो भी आपको बताता चलूँ, द नेकलेस और हैप्पी प्रिंस की बार बार रिपीट हो रही है। उसके बाद द किलर है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके बाद मजीद अगर टाइम मिलता है तो रेपचनी डॉक्टर, ब्रेकफास्ट, अरेबी और टेकविटी, ये कर लें। और वो बच्चे जैसे अगर जो मैंने बताई है अगर इन बच्चों से ये ना हो, मतलब ये है कि 15 तक अगर ये ना हो तो फिर आपने हमसे रब्ता करना है। फिर वो बच्चे उन जिनसे सिर्फ तीन दिन चार दिन जो होगी वो हमें बताना है, तो फिर जो मैंने मल्टी स्टोरी बनाई है उसके साथ में दूसरी स्टोरी जोड़कर फिर अपने वो बच्चे जो हमसे नोट्स ले रही हैं जिन्होंने नहीं लिए वो रब्ता करें, हम उनको वो चीज़ भी दे देंगे। तो किसी भी हालत में आपका क्वेश्चन नंबर टू जो है वो लूज नहीं होगा, दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, पोइम के तीन क्वेश्चन आते हैं, दो पोइम करनी होती है, मोस्टली जो है पहली 10 में से मोस्टली दो पोइम आ जाती हैं और बाद में फिर एक आती है, करनी दो होती हैं। अब बाज़गल ऐसा भी होता है कि पहली 10 में से सिर्फ वो एक देता है और एक जो है दो जो दे देता है वो बाकी 10 के बाद, अगर 10 के बाद देता है तो देखें हमारे चैनल तलीम पॉइंट और प्रोफेसर तलवी टिप्स में हमने इंपॉर्टेंट जो है ना अपने चैनल में चलाई हुई है पॉइंट के क्वेश्चन। अब ये है कि आपने फर्ज किया आपकी 10 से सिर्फ 5 या 6 शुरू की है तैयार, बाकी तैयार नहीं है, तो उसके लिए भी हमने अपने बच्चों के लिए हल ढूंढा हुआ है। हमने मल्टी पॉइंट जो है एक बनाई है, उस मल्टी पॉइंट के साथ ही एक दो दिनों में इंशाल्लाह मजीद वीडियो आपको आपके सामने आएगी। वो मल्टी पॉइंट के साथ मैं हर वो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है बाद वाली या जो आपको याद नहीं हो रही तो वो लाइनें मैं आपको डाल दूंगा, ताकि आपका किसी भी आदमी क्वेश्चन नंबर थ्री का एक भी क्वेश्चन लूज ना हो, दोनों क्वेश्चन हो जाए और इंशाल्लाह हो जाएंगे। पर ये जेल में रखे किसी भी तरह आपने हिम्मत नहीं हारनी, जितना चाहे कोई बंदा आपको डर नहीं डरना, तो दुआ करें इंशाल्लाह हम आपको गारंटी देंगे हम पूरी कोशिश करेंगे हमारा बच्चा कोई भी फेल ना हो। उसके बाद तीन क्वेश्चन 60 नंबर के हो गए, चौथा आ गया आपका यहाँ डायलॉग करेंगे पैराग्राफ बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उनकी ग्रामर नहीं होती, उनके लिए हमने डायलॉग बनाया हुआ है। तो डायलॉग जो है हमारे नोट्स में भी है, हमने वीडियो भी जो है वीडियो में बड़ी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है,
वो देखें, उसके बाद प्रेसी, प्रेसी के लिए हमने वीडियो जो है वो हमारी वीडियो देखें, मजीद जो इम्पोर्टेंट एक दो पेपर की जो प्रेसी होगी वो भी हम आपको बता रहे हैं, चूंकि उसमें टेक्निक्स है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप पढ़वन जो है उसको प्रिपेयर करें, मजीद जिसको कन्फ्यूजन हो हमारे फोन पे वो हमसे रब्ता करें, मजीद हम उनको आसान से आसान चीजें बता रहे हैं ताकि आप किसी भी तरह फेल ना हो। तो पार्ट टू की मैं ये गारंटी दूंगा आपको, हमारे नोट्स में बहुत ही मुख्तसर से क्वेश्चन जो हमने दिए हुए हैं वो हम मैक्सिमम एक हफ्ते में भी तैयारी करवा सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उसमें जो टेक्निक्स होती हैं वो ईडीएम क्वेश्चन लेटर एप्लीकेशन, ये तीन चीजें जो हम दो दिन में भी तैयारी करवा सकते हैं। मगर आपने पासिंग मार्क्स की तरफ नहीं आना, आपने कम से कम 60% नंबर को टच करने की कोशिश करनी है, 60 और 70 इजीली आ सकते हैं। तो पार्ट टू के बच्चे बिल्कुल डिसार ना हो, अभी बिल्कुल मत छेड़े पार्ट टू को, जो पार्ट वन और पार्ट टू के भी है पहले वो पार्ट वन को तैयारी करें, तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को एंड तक सपोर्ट देंगे। तो हमारे जो है ऑफिशियल जो नंबर है दो ही जा रहे हैं, ठीक है, दोनों पे रब्ता कर सकते हैं, जो जो कन्फ्यूजन हो आप हमसे 0300 वाला हमारा और 0305 का तो आपने हमें बताना है, तो इंशाल्लाह आपको एंड तक हम सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।